साक्षी जी, साक्षी जी नमस्कार, बताइए। सर मैंने 2580 स्टॉक्स लिए है टाटा मोटर्स के 3 साल पहले, वो लिए 258 से, और अभी मैंने फिलहाल ऐड किए 942 लेवल पे 200 स्टॉक्स। तो मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, तो इसमें प्रॉफिट बुक करे या होल्ड करे, क्योंकि पी बहुत कम है इसका। तो मेरा ख्याल है कि आपकी राय बहुत जरूरी है इसमें। जी बिल्कुल, आपने बाइंग रेट क्या बताया, एक और बार बता दीजिए वो। 258 सर, 258 का। हाँ, 2580 लिए थे। आपने एक्चुअली हमें जो व्हाट्सएप पे भेजा वो 940 का भेजा था, तो वो 942 फिलहाल मैंने ऐड किए 942 के लेवल पे। अच्छा, अभी और ऐड किए, लेकिन आप 250-248 से भी होल्ड कर रहे हैं इसे। यस सर, तो मुझे अब डायलेमा में हूँ कि प्रॉफिट बुक करे या ऐड करे, इसलिए आपकी राय बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको तो काफी ज्यादा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब इतने नीचे किस स्तर से आपने खरीदारी की है। आप पीई के बारे में भी बता रहे थे, तो आप भी स्टडी करके ही स्टॉक्स लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ता हूं, और लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। टाटा मोटर्स पे इनकी खरीदारी काफी निचले लेवल से है, स्टॉक काफी ऊपर आ चुका है, लेकिन रिसेंटली अगर देखें तो ये जुलाई हाई से स्टॉक कुछ 20-25% टूटता हुआ नजर आ रहा है। वैसे अभी भी ये मुनाफे में ही बैठे हैं, रिसेंटली भी 940 के अराउंड और थोड़े स्टॉक्स खरीदे थे इन्होंने, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए या ये सिर्फ एक टेम्पररी पुल बैक है इतने लंबे ट्रेंड से? क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया, इनका काफी लंबा व्यू है स्टॉक को लेते हुए देखते हुए। मैंने मंथली चार्ट्स पे तो स्टॉक में अभी भी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। हालांकि जैसा कि आपने बताया है कि जुलाई हाई से यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट सेलिंग देखने को मिल रही है, और इसकी वजह इसकी वीक मैनेजमेंट कमेंट्री भी थी, उसके बाद से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 850-845 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक हम यहाँ पर एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा, जब तक एक स्ट्रक्चरल बुलिश स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बनेगा तब तक हमें थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। और जो अपर साइड के जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ से 960 से लेकर 975 के लेवल्स तक। अगर 975 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो फिर से ये स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ को रिज्यूम करेगा और हमें आने वाले समय में अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। फिलहाल इनको 855 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं टाटा मोटर्स।